छत्तीसगढ़ के बालसमंद निवासी झांसी धुर्वे की कथित नक्सली मुठभेड़ में हत्या मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने एवं अन्य 8 मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज 15 अक्टूबर को जन अभियान के तहत रैली निकालकर ज्ञापन सौंपेगा। इस जन अभियान में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम के आदिवासी भी शामिल होंगे। बता दें कि गत माह 15 सितंबर को भी ऐसा ही एक आंदोलन के माध्यम से जिला प्रशासन को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर 15 दिनों में मांग पूरी होने पर पुनः आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। मैंने आपको शुरू में बताया कि झांसी के मुद्दे पे जो 9 बिंदु हमने सरकार से मांग की थी, जिस प्रकार से हमने सीआईडी से जांच की नहीं मांगी थी, इसमें सीबीआई और एक जुडिशियली जांच मांगे थे, जिसमें हाईकोर्ट से जो रिटायर्ड जज होते हैं उनकी टीम के द्वारा जुडिशियली जांच के लिए मांगा था हमने, लेकिन वो नहीं हुआ। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये हुई है कि एक परिवार का के व्यक्ति की जो हत्या हुई है, उस परिवार के आवेदन करने के बावजूद भी उस परिवार की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे, और उनसे जो आवेदन दिया गया है उसको नकारा गया है, जबकि हमारे पास उसकी ओसी है, उस थाने की ओसी है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये नहीं है। हम इससे एक समझ आता है कि किस प्रकार से वो एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, और उसे षड्यंत्र के तहत उसे पुलिस अपना जो पुलिस से जिस प्रकार की ये घटना हुई है उसको नकार रही है। तो हम प्रदेश सरकार से जो जिस प्रकार से मांग की थी हमने, वो कहीं भी नहीं लगता कि हमारे मांगों के प्रति संवेदनशील है। इसलिए हमने ये जो जन आंदोलन है 15 अक्टूबर का, इसे हमने सड़क पे आने के लिए मजबूर हुए हैं, और एक बड़ा आंदोलन के रूप में हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमें मध्य प्रदेश के काफ़ी ज़िलों हैं जिनके प्रतिनिधिमंडल यहाँ आने वाला है। इसके साथ साथ हमने 7 प्रदेश के लोग हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, यहाँ के जितने भी हमारे आदिवासी संगठन हैं उनका एक कार्यदल यहाँ पे हमारे आंदोलन में साथ देने आने वाला है। और जो हमारा ये आंदोलन होगा, एक लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन होगा, और इसमें हमने राजनीतिक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इनको हमने शामिल नहीं किया है। ये आंदोलन को हमने एक सामाजिक आंदोलन के तहत एक आम आदमी को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा किया है। हमारी 1.5 साल की मेहनत थी, क्योंकि हमारा जो आदिवासी समाज है वो काफ़ी संगठनों में बटा हुआ था, सबके उद्देश्य समाज के लिए एक थे लेकिन सबके रास्ते अलग थे। उन रास्तों को हम एक ही रास्ते से चलने के लिए उन्हें हमने मनाया है, और हमारी जो मेहनत है जो पिछली बार 15 सितंबर को जो दिखी थी, उसी तारतम्य में हमने इस जन आंदोलन को एक आम लोगों की लड़ाई के तहत संघर्ष करने के लिए तैयार किया हुआ है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।